तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं कि आप जो कैसे अपने लो एंड पीसी में फ्री फायर मैक्स गेम को प्ले कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको जो है यहां पर स्मार्ट गागा का एक बेस्ट एमुलेटर बताने वाला हूं जिसमें आप फ्री फायर मैक्स गेम को प्ले कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको जो स्मार्ट गागा का एक एंड्रॉइड 4 वर्जन दूंगा जिसमें आप जो फ्री फायर मैक्स गेम को विदाउट एनी एरर प्ले कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको जो स्मार्ट गागा का एक लाइट वर्जन एंड्रॉइड 4 में फ्री फायर मैक्स गेम को इंस्टॉल कैसे करना है वो बताऊंगा एंड इसमें फ्री फायर मैक्स गेम को प्ले करके भी दिखाने वाला हूं। तो आप जो वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप जो कैसे अपने लो एंड पीसी में फ्री फायर मैक्स गेम को स्मार्ट गागा एमुलेटर में इंस्टॉल करके प्ले कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं आपको जो यहाँ पर पिन कमेंट में स्मार्ट गागा एमुलेटर का लिंक दे दूंगा, आप जो इसको डाउनलोड कर लेना एंड यहाँ पर फ्री फायर मैक्स गेम की एपीके और ओबीबी फाइल का लिंक भी दे दूंगा, आप जो वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर लेना। एंड डाउनलोड कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर सबसे पहले स्मार्ट गागा एमुलेटर को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर एक जिप फाइल होगी तो आपको जो इसे अनजिप कर लेना है। तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको इसे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। एंड एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर स्मार्ट स्टैक नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर इस फोल्डर को ओपन करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर इंजन वाला फोल्डर मिलेगा, आपको इसको ओपन करना है। एंड यहाँ पर आपको नीचे की साइड आना है, तो यहाँ पर आपको जो ये इसका लॉन्चर फाइल मिल जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर डेस्कटॉप पर इसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पर इसका एक शॉर्टकट आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर एमुलेटर को लॉन्च कर लेना है। तो चलिए फिर मैं यहाँ पर एमुलेटर को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये एमुलेटर ओपन हो चुका है। ये एमुलेटर जो एकदम बेस्ट है, इसमें आप जो फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स गेम को इजीली प्ले कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसका पहले एंड्रॉइड वर्जन भी बता दूं, तो यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर अबाउट फोन में जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको ये एंड्रॉइड वर्जन 4.4.2 देखने को मिल जाता है जो कि लो एंड पीसी के लिए एकदम बेस्ट है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो इसमें कैसे फ्री फायर मैक्स गेम को इंस्टॉल करके प्ले कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एमुलेटर को क्लोज कर देना है एंड उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो फ्री फायर मैक्स गेम की एपीके और ओबीबी फाइल आपने डाउनलोड की थी इसको आपको जो यहाँ पर एक फोल्डर में क्रिएट करके रख लेना है। एंड उसके बाद आपको जो यहाँ पर सिंपली इस वाले फोल्डर को यहाँ से कट कर लेना है। एंड उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो स्मार्ट गागा का शॉर्टकट है आपको जो है सिंपली यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको इसके फाइल लोकेशन में चले जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर ऊपर की साइड आओगे तो यहाँ पर आपको जो ये एक शेयर FS नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको जो है इस फोल्डर को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो ये फोल्डर आ जाएगा एंड उसके बाद अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर एमुलेटर को ओपन कर लेना है। तो आपको जो यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके एमुलेटर को ओपन कर लेना है। एमुलेटर ओपन हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर एक APK फाइल की जरूरत पड़ेगी, तो आपको यहाँ पर ES फाइल एक्सप्लोरर APK फाइल को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक भी मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, आप जो वहाँ से जाकर के इसके APK फाइल को डाउनलोड कर लेना। एंड डाउनलोड कर लेने के बाद अब आप सिंपली यहाँ पर ES फाइल एक्सप्लोरर APK फाइल को जो है यहाँ पर स्मार्ट गागा एमुलेटर में इंस्टॉल कर लेना। तो आप जो यहाँ पर फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना तो यहाँ पर जो APK फाइल इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो ES फाइल एक्सप्लोरर APK फाइल इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आपको जो यहाँ पर ES फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेना है। एंड ओपन हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको जो यहाँ पर ये पेंसिल वाला आइकन मिलेगा, आपको जो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर ये शेयर नाम का एक फोल्डर मिलेगा, आपको सिंपली इस वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको जो ये फोल्डर मिल जाएगा जहाँ पर हमने जो ये APK OBB फाइल को पेस्ट किया था। तो अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर पहले इसकी APK फाइल को इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको पहले यहाँ पर फ्री फायर मैक्स गेम की APK फाइल को इंस्टॉल कर लेना है। फ्री फायर मैक्स गेम को इंस्टॉल कर लेने के बाद अब आप सिंपली क्या करना है कि आप जो यहाँ पर ओपन पर क्लिक करके गेम को ओपन कर लेना। तो यहाँ पर जो है इसकी एक OBB फाइल क्रिएट हो जाएगी एंड अभी जो है यहाँ पर ये गेम ओपन नहीं होगा, यहाँ पर जो है कुछ स्पीकर का एरर शो करेगा। तो अब आप क्या करना है कि आप जो यहाँ पर गेम को क्लोज कर देना एंड उसके बाद आप जो है दोबारा से यहाँ पर ES फाइल एक्सप्लोरर पर आ जाना। एंड अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ये जो OBB फाइल मिलेगा तो अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जो इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ये मोर वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर मूव टू का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कुछ स्पीकर का पॉपअप ओपन होकर आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एंड्रॉइड वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर ये OBB फोल्डर मिल जाएगा, आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको फ्री फायर मैक्स गेम का फोल्डर मिल जाएगा, तो आपको सिंपली इसको ओपन करना है एंड यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है फोल्डर पेस्ट हो जाएगा एंड अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ से इसको कट कर देना है एंड अब आपको यहाँ पर गेम को ओपन कर लेना है। तो चलिए फिर अब मैं यहाँ पर गेम को ओपन करके दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये डाउनलोड फेल्ड एरर शो कर रहा है। तो अगर आपके में भी यहाँ पर ये डाउनलोड फेल्ड एरर शो करता है तो आपको इसको कैसे सोल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर गेम को क्लोज करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ पर एप्स वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पर फ्री फायर मैक्स पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको इसका क्लियर कैश एंड क्लियर डाटा कर देना है। इतना कर देने के बाद अब आपको यहाँ पर दोबारा से गेम को ओपन कर लेना है तो गेम जो ओपन हो जाएगा। तो चलिए फिर हम दोबारा से यहाँ पर गेम को ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब जो यहाँ पर ये फाइल करप्ट एरर शो कर रहा है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जो फिर से यहाँ पर गेम को क्लोज करना है एंड सेटिंग में जाकर के यहाँ से आपको जो इसका क्लियर डाटा एंड क्लियर कैसे कर देना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से गेम को ओपन कर लेना है तो गेम जो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो चलिए फिर अब मैं यहाँ पर गेम को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है गेम ओपन हो चुका है। यहाँ पर जो अब ये कोई भी एरर वगैरह नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो है 10 MB का जो है यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए फिर जब तक यहाँ पर ये गेम ओपन हो रहा है तब तक अगर आप वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है फ्री फायर मैक्स गेम इजीली ओपन हो चुका है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पर इसकी की मैपिंग भी कर लेनी है। तो आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पर कंट्रोल में जाना है एंड यहाँ से आपको इसकी कस्टम HUD को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक की मैपिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है एंड अब आपको क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर इसकी की मैपिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको AWDS वाला बटन मिलेगा, तो आपको इस वाले बटन को यहाँ पर जो स्टिक वाले बटन के ऊपर रख देना है एंड उसके बाद आपको जो यहाँ पर ये माउस को लॉक अनलॉक करने वाला बटन मिल जाएगा, आपको सिंपली इसको यहाँ पर ऐसे रख देना है। कंट्रोल बटन से आप जो यहाँ पर माउस को लॉक अनलॉक कर पाओगे एंड उसके बाद यहाँ पर ये फायर वाला बटन मिलेगा, आपको इसको यहाँ पर फायर वाले बटन के ऊपर रख देना है एंड उसके बाद बाकी जो की है उसको आप जैसे मर्जी अपने हिसाब से रखना चाहते हो आप जो यहाँ पर रख लीजिएगा। तो चलिए फिर मैं जो यहाँ पर जल्दी से की मैपिंग कर लेता हूँ एंड की मैपिंग कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको टिक कर लेना है। इससे क्या होगा कि आप जो यहाँ पर कंट्रोल बटन से माउस को जो लॉक अनलॉक कर पाओगे एंड की मैपिंग कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है की मैपिंग सेव हो जाएंगी एंड उसके बाद अब आपको क्या करना है कि अगर आपको यहाँ पर गेम में लैग देखने को मिलता है तो आप जो यहाँ पर स्मूथ और नॉर्मल पर गेम को प्ले करना, तो यहाँ पर जो गेम लैग नहीं करेगा एंड अब आप जो इसमें इजिली फ्री फायर मैक्स गेम को प्ले कर सकते हो। चलिए फिर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप जो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए फिर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।